बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोला। सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में फैली अराजकताओं के बाद प्रदेश की शांति और सुरक्षा का मसला राजस्थान सरकार के लिए प्राथमिकता होना चाहिए। प्रदेश में और देश में सीमी अराजकता का एक ऐसा कारक बन गई थी जिस पर प्रतिबंध लगा। पिछले दिनों एक के बाद एक जब इस तरीके की घटनाएं हुई, ये सोचने पर विवश हुआ कि केवल ये किसी एक व्यक्ति की या कुछ संस्थाओं की नहीं हो सकती, इसके पीछे सोची समझी साजिश है। और अब ये खुलासे में साबित हो गया कि उदयपुर की कन्हैयालाल की घटना और अमरावती की घटना, ये साफ तौर पर जो टेरर फंडिंग है पीएफआई के जरिए, जो एक बड़ा जरिया बना पीएफआई, 2 लाख परिवारों तक सीधे सीधे पैसा ट्रांसफर होता है बहरीन, कुवैत और अरब के जरिए, तो अब ये प्रथम दृष्टया साबित हो गया कि एक बड़ा इस तरीके का समूह और इस तरीके का संस्थान प्रदेश में अराजकता फैला रहा है, अशांति फैला रहा है। और मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार को, क्योंकि अशोक गहलोत जी बार बार इन बातों को केंद्र के पाले में डालते हैं, लेकिन प्रदेश की शांति और सुरक्षा का मसला ये राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। और ये सही समय है कि उनको बिना किसी सोच विचार के, ये जब यदि साबित हो गया है तो उनको पीएफआई को बैन के लिए केंद्र को पत्र लिखना चाहिए।